नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आइए दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं, एक्सेल पर कुछ दो या तीन ऐसी ट्रिक्स आपको दिखाएंगे जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, और जो काम आप मैनुअली करते हैं उसको ये ऑटोमेटिकली कर देगा। तो मैं आपको पहली ट्रिक बताता हूँ। मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपको इस तरीके से कुछ मंथ की डेट जो है यहाँ लिखनी होती है लाइन बाई लाइन, और आपको कोई ऐसा रिज़ल्ट बनाना है। तो ये देखिए, ये आपने इस तरीके से बना लिया है। अब आप इसको हाथ से लिखेंगे दोस्तों, और अब आपको करना क्या है, यहाँ जाने के बाद आप ये जो फिल देख रहे हैं, फिल जाने के बाद आपको सीरीज़ पर आना है। यहाँ पर आपको कॉलम पर क्लिक करना है, देन ये डेट रहेगा। जो स्टॉप वैल्यू है, यहाँ पर आपको वो डेट दे देनी है जहाँ पर आप इसको रोकना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं इसको 1 अगस्त पर तक बनाना चाहता हूं, तो मैं इसको 1 अगस्त तक के लिए ये मैंने दे दिया है स्टॉप वैल्यू, और मैं यहां पर जैसे ही ओके करूंगा, आप देख सकते हैं यहां पर ये आपको डेट देखिए आ गई है, ये कंटिन्यूस डेट है। और अब हमें यहां पर लिखना है कि इस दिन कौन सा बार कह सकते हैं कि डे पड़ने वाला है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर ये आपको दिखाता हूँ, ये जो फॉर्मूला है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। यह करने के बाद जो है आपको यहाँ पर एग्जैक्ट देखने के लिए मिल जाएगा कि इस पर्टिकुलर डे पर जो है क्या है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 1 तारीख को मंडे है। अब आपको करना क्या है, यहाँ डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये सभी जो है प्रॉपर डे वाइज आ जाएंगे। ये देखिए, ये आ गए हैं डे वाइज। अब दोस्तों ये प्रॉपर यहाँ पर सेटअप हो गया है, आप यहाँ से बना सकते हैं। मैं जो एक और आपको दिखाना चाहूँगा कि मान लीजिए हम इसको कुछ 2-4 सेल्स में और इस तरह से कॉपी कर देते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसको यहाँ पर कॉपी कर दिया है, और दोस्तों देखेंगे आपकी, मान लीजिए ये आपने कहीं से कॉपी किया, पेस्ट किया, और इस तरीके से जैसे डेटा आपको दिखता है। देखिए ये जो सेल्स और रोज जो हैं छिपा दी गई हैं, और जब आप कहीं से पेस्ट करते हैं तो ये इस तरीके से छिप जाती हैं। एज इट इज़ आप यहाँ पर ले लें, मान लीजिए ये 6 को हम यहाँ से इस तरीके से 8 को, ये देखिए ये हमने इसके अंदर, अब ये जो हॉटस्पॉट डेटा हो गया है इसको सही करने के लिए करना क्या है हमें, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। बहुत अच्छा कीवर्ड है, बहुत अच्छा शॉर्टकट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं आपको ये स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए ऐसे आप सेलेक्ट कर लीजिए जितना भी ये डेटा है, देन आपको प्रेस करना है दोस्तों ऑल्ट के साथ HOA। देखिए ये जैसे ही मैंने HOA किया तो यहाँ पर जो भी वैल्यू 7, 8, 9 ये जो छुपाई गई थी ये आ गई हैं। एज इट इज़ आपको करना क्या है दोस्तों, इसको फिर से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अभी आपको जो है ये कॉलम्स को ठीक करना है। अभी ये रो ठीक हुई थी, तो आपको कॉलम को ठीक करने के लिए ऑल्ट के साथ HOI जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली सब अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़ एडजस्ट हो गए हैं, और इसको ऑटो एडजस्ट कहा जाता है। कितना ही बड़ा बल्कि डेटा हो, आप Ctrl+A करिए, ये कमांड लिखिए, आपको ये एग्जैक्ट फॉर्म में यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे और आपका काम बच जाएगा। नहीं तो ये कैसे किया जाता है, लोग कैसे करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, और सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, ये जो लास्ट वैल्यू होती है इससे इसको ऊपर नीचे करते हैं। होता क्या है कि ये जो मार्जिन है ये सारे सेल्स पर अप्लाई हो जाता है, और ये इस तरीके से सभी में गैप जो है ये इस तरीके से आने लगता है। लेकिन हमें जो है दोस्तों, जब इसको ऑटो एडजस्ट करना है तो जो आपको ये कमांड्स बताई गई हैं इनको आप अप्लाई कर सकते हैं अपने एक्सेल वर्क पे, और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये एक्सेल की ट्रिक पसंद आई होंगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।